Now we are going to start about parapsychology and soulmate. What is soulmate and what is parapsychology? Very interesting topic which we are going to discuss. आज हमें ये देखना है कि parapsychology होता क्या है. So within 2-3 minutes we are going to start. Already 1 p.m. is there. कुछ लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और काफ़ी सारे लोग भी जुड़े हुए हैं, कुछ जुड़ रहे हैं. आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पैरासाइकोलॉजी. एक हिडन वर्ल्ड, एक हिडन दुनिया जिसके बारे में आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं. और सोलमेट जो आजकल की युवा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप, जो शादीशुदा हैं उनके लिए भी और जो लोग अभी मैरिज में जाने वाले हैं उनके लिए भी. ये वो है जो आपको प्रूव करता है कि अपनी रिलेशनशिप लाइफ को हम कैसे एक बेहतर बना सकते हैं, क्या उसको हम एक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं. अभी हम देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप के इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं, डिवोर्स केसेस बढ़ रहे हैं. इन सबको ही लेके आज हम पैरासाइकोलॉजी और सोलमेट की बात करने जा रहे हैं. ऑलरेडी 1 o'clock का हमारा टाइम था, काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं. तो फ्रेंड्स, विद इन 2 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक. टिल द टाइम इफ यू वांट टू कमेंट, यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स. एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज साइकोलॉजी. Not only psychology, but is parapsychology and what is soulmate. To understand better, just listen these all the things very carefully and you will feel this will be new knowledge, new word for you. So within 1 minute we are going to start. So let's start. The topic is what is parapsychology and soulmate. तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पैरासाइकोलॉजी क्या होती है, और उसको जानने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि साइकोलॉजी क्या होती है. राइट? साइकोलॉजी और पैरासाइकोलॉजी दोनों साइंस बेस्ड हैं, साइंस के सिद्धांत पे लागू होती हैं. साइकोलॉजी एक नॉर्मल बिहेवियर है किसी भी पर्सन का, जैसे किसी को गुस्सा आता है, कोई क्राई बहुत ज्यादा करता है, किसी का थॉट प्रोसेस नहीं रुकता, ओवर थिंकिंग करता है. ये सारे हमारे बिहेवियरल इशू हैं और ये सारे के सारे साइकोलॉजी कवर करते हैं. और साइकोलॉजी के पीछे की जो साइंस है उसको हम बोलते हैं अप्लाइड साइंस और अप्लाइड फिजिक्स. बिकॉज साइंस के अंदर फिजिक्स इज द मेन थिंग. जिसको हमें साइंटिफिकली एंगल से देखें तो फिजिक्स को हम मदर बोलते हैं साइंस की. तो अप्लाइड फिजिक्स उस पर काम करती है. जो भी लोग आप लोगों में से साइंस बैकग्राउंड से होंगे वो लोग इस बात को अच्छे से समझेंगे कि फिजिक्स के बिना साइंस अधूरी है. खैर, अभी हम बात कर रहे थे व्हाट इज साइकोलॉजी. साइकोलॉजी के पीछे अप्लाइड फिजिक्स काम करती है. जो हम कॉलेजों में, स्कूल्स में, जो हम इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, साइंस होती क्या है? साइंस वो है जो हम साइंस को प्रैक्टिकली प्रूव कर सकते हैं, वही साइंटिफिक है. जो चीज हम प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सकते उसको हम साइंस नहीं बोल सकते. सो साइंटिफिकली अगर हमें किसी चीज को प्रूव करना है तो वो अप्लाइड साइंस होगी, और अप्लाइड साइंस से ही साइकोलॉजी चलती है. अब हम बात करते हैं पैरासाइकोलॉजी की.
पैरासाइकोलॉजी क्या है, ये अप्लाइड साइंस पे बेस्ड नहीं है, ये जो बेस्ड है ये क्वांटम साइंस पे है, विच इज कॉल्ड ए क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम साइंस, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी पैरासाइकोलॉजी बेस्ड है। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, क्वांटम और अप्लाइड में क्या फर्क है। क्वांटम जो साइंस है या क्वांटम फिजिक्स है, आप लोगों ने सुना होगा अणु परमाणु, दीज ऑल द थिंग्स पे काम करती है, जो हमारी बेसिक हैं, जिनके बिना अप्लाइड साइंस काम ही नहीं करेगी। तो क्वांटम साइंस के अंदर बहुत ही छोटे, जिसे एटम बोलते हैं, उस पे काम करती है। और एटम की क्या खासियत है, हम सबको मालूम है, एटम को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। और आजकल तो एटम बम बहुत लोग समझ रहे हैं, करेक्ट। सो एटम बम से हमें डरते हैं, हम वॉर में डरते हैं, क्योंकि उसका धमाका बहुत जबरदस्त होता है और काफी लोग मर जाते हैं। वैसे ही एटॉमिक पावर्स जो अच्छे के लिए यूज की जाती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, शिप चलाने के लिए, बड़े पनडुब्बी चलाने के लिए, तो वैसे ही क्वांटम साइंस को यूज किया जाता है। सिमिलरली पैरासाइकोलॉजी है, पैरासाइकोलॉजी को आप महसूस कर सकते हो, आपकी जिंदगी के ऊपर वो बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालती है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। बिहेवियर एंगर आप देख सकते हैं किसी का, उसके चेहरे पे देख सकते हैं, पैरासाइकोलॉजी को नहीं देख सकते, उसके लिए एक्सपर्ट चाहिए। लेकिन आज हम एटम को भी देख सकते हैं, बट उसके लिए एक्सपर्ट इक्विपमेंट और एक्सपर्ट लोग चाहिए। सिमिलरली पैरासाइकोलॉजी के लिए भी एक्सपर्ट लोग चाहिए। खैर, अब पैरासाइकोलॉजी के अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चीज आती है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत ही वास्ट फील्ड है, बहुत ही इंजॉयबल फील्ड है। इतना है कि हमें कई दिन की जो हमारी मेहनत होती है, हम स्टूडेंट्स को सिर्फ समझाने में लगते हैं कि पैरासाइकोलॉजी क्या क्या कवर करती है, पर आज हम बेसिक को याद करेंगे। मेरा अपना ओपिनियन है, अगर आपको बेसिक समझ आ गया है तो आप जिंदगी भर याद रखोगे, और अगर ज्यादा डीप में जाने की कोशिश करोगे तो बेसिक भूल जाओगे। तो आज हम पैरासाइकोलॉजी की बात करते हैं। ये वैसे ही एटॉमिक के हिसाब से बहुत ही छोटी चीजों पे मैटर करती है, विच इज डिपेंड्स ऑन क्वांटम फिजिक्स। पैरासाइकोलॉजी में क्या आता है, सबसे पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर आपने कोई भी ऐसा कर्म कर दिया है पिछले जन्म में, और वो कहीं ना कहीं आपके पैरासाइकोलॉजिकल माइंड, आगे हम उसकी भी बात करेंगे, उसमें स्टोर है, तो वो आपको प्रॉब्लम देगा। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, जैसे ऐसे हमारा ये वीडियो आप देखते जाएंगे, आपको ये सारे संशय क्लियर होते चले जाएंगे। जो जो लोग कई सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही, आपको कोई कमी ही नहीं है, कोई कमी नहीं है आपकी ग्रोथ में, मेहनत में सॉरी, और लेकिन ग्रोथ नहीं मिल रहा, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, उस तो वजह होगी, हम इग्नोरेंस पॉलिसी पे काम करते हैं, वही हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी पैरासाइकोलॉजी का एक पार्ट है। दूसरा, साइकी। साइकी क्या होता है, टेलीपैथी, किसी के माइंड में क्या चल रहा है उससे बिना बात करे जानना, टेलीपैथी, ये हमारे ऋषि मुनि काफी यूज करते थे, ये भी पैरासाइकोलॉजी का पार्ट है। पैरासाइकोलॉजी एनर्जी पे भी काम करती है, रेकी, प्राणिक हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, दिस ऑल द थिंग्स कम्स अंडर पैरासाइकोलॉजी। खैर, आज हम मेन टॉपिक पे आते हैं, जो है हमारा सोलमेट, वो टॉपिक जिसके अंदर हमें ये समझना है कि हम सोलमेट को कैसे चेक कर सकते हैं, सोलमेट है क्या और हमारी लाइफ में इम्पैक्ट क्या डालता है। तो सोलमेट भी हमारे इसी पैरासाइकोलॉजी का हिस्सा है। अब हम सोलमेट की तरफ जा रहे हैं। होप माय फ्रेंड्स यू आर क्लियर इन पैरासाइकोलॉजी। आई थिंक यू कैन से एटलीस्ट इन कमेंट्स, यस आई विल लव टू सी योर यस, कि पैरासाइकोलॉजी होती क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू द सोलमेट। सोलमेट क्या है, सबसे पहले हमें सोल को समझना पड़ेगा। सोल को अगर हिंदी में देखने की कोशिश करें तो सोल मतलब आत्मा। इससे हमें बहुत डर लगता है, रात को लोगों को नींद नहीं आती। खैर, आज के बाद आप आत्मा से डरना बंद कर देंगे। ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया,
जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा, इस तरह से चेंज कर देगा कि जो जो वहम, जो जो अंधविश्वास है सब खत्म हो जाएंगे। सो आत्मा क्या है, सबसे पहले हमें यह समझना है। सोल क्या है, सोल प्योर एनर्जी का फॉर्म है। प्योर 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 मींस प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी का हमारी लाइफ से क्या लेना देना है? गुड, ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में, तो मैं इसका बड़ा क्लियर बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही आसान एग्जाम्पल, अगेन आप बेसिक पे रहें, लाइफ को एंजॉय करेंगे। एक बहुत ही महंगी कार लिया आपने, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन उसमें पेट्रोल नहीं है। क्या किसी काम की है? क्या वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकती है? वो खड़ी रहेगी और थोड़े दिन के बाद वो एक खंडर में बदल जाएगी। सो आत्मा भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो हमारी बॉडी के अंदर हमें एक जन्म से दूसरे जन्म में लेके जाती है। कुछ फ्रेंड्स मेरे लेट हमारे साथ जुड़े हैं, वो वीडियो को बाद में देख सकते हैं। अभी हम सोलमेट में से सिर्फ सोल को ज्वाइन, सोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोल क्या है? आत्मा। सो आत्मा क्या है? वो हमारी लाइफ को एक जन्म से दूसरे जन्म में ले जाने का काम करती है, जैसे कार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। कोई रोल नहीं है आत्मा का सिवाय इसके, वो कैरियर है। भगवत गीता के ऊपर अगर आप जाएंगे तो भगवान कृष्ण ने भी कहा है, आत्मा ना तो कोई कर्म करती है और ना ही कोई कर्म का भुगतान करती है, वो वैसे ही जीव में रहती है जैसे आकाश और हवा सब जगह व्याप्त है पर हमें कभी दिखते नहीं, महसूस होते हैं सिर्फ। सो हमें सोल को समझ लिया, सोल हमारा कैरियर है, इससे डरने की हमें कोई जरूरत नहीं। जो जो आप लोग डरते हैं वो किस चीज से डरते हैं वो मैं बताऊंगा इससे आगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आप किस चीज से डरते हैं। सोल से नहीं डरते, तो इस गलत फहमी को दूर कर दीजिए। अभी हम आगे चलते हैं। मेट, मेट क्या है? मेट की अगर हम हिंदी करने की कोशिश करें तो मेट है आपका अपोजिट सेक्स, मेट आपका फ्रेंड हो सकता है, और मेट ऐसा भी सकता है जिससे आपके फिजिकल रिलेशंस हो, लाइक हम मेटिंग शब्द का यूज करते हैं, इस इंग्लिश का वर्ड वहीं से आया हुआ है। पर एक्चुअल मेट है क्या, साइकोलॉजिकली मेट है क्या, ये हमें समझने की जरूरत है। और इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें माइंड को समझना पड़ेगा। अब हम लेके चलते हैं अपने आप को पहले माइंड पे, ताकि हम बेसिक तो समझें, उसको देखें तो सही वो है क्या। सो माइंड हमारा तीन तरह का है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमें तो एक ही दिखता है भाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको एक दिखता है वो ब्रेन है। जैसे मैं आपसे आज ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है वो ब्रेन है, लेकिन उसमें जो विंडो है वो सॉफ्टवेयर है, वो माइंड है। तो हमारे दिमाग के अंदर जो माइंड है वो तीन तरह का है। जैसे एक ही हार्डवेयर में दो या तीन तरह के हम सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, सो इसमें कितनी तरह के माइंड है? तीन। अब तीन तरह के जो माइंड है उनमें से जो पहला माइंड है वो है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है, ये पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो कॉन्शियस माइंड है ये सिर्फ 10% है हमारे टोटल माइंड की स्ट्रेंथ का, ये लेकिन है बहुत खतरनाक। कॉन्शियस माइंड हमें सोशल बनाता है। अगर हमें कॉन्शियस माइंड ना होगा तो हम सोशल नहीं कर पाएंगे। एनिमल्स कैन नॉट बी सोशली इन द पब्लिकली। हम कितने अच्छे सोशल हैं, आज आपके घर पे कोई आदमी चाय पीने आ गया, आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपके भाई को नहीं अच्छा लग रहा, किसी को भी घर में, लेकिन आप बड़े अच्छे से उसे ट्रीट करते हैं, चाय पिलाते हैं, भेज देते हैं, और उसके बाद अपने गार्ड को बोलते हैं दोबारा याद में आए तो बोलना साहब घर में नहीं। तो सोशली हमने अपने आप को बहुत अच्छा ट्रेंड किया है, ये यही माइंड है जो हमारी बहुत हेल्प करता है सोशली ट्रेंड होने में। सो इसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं।
अगर हम शास्त्र के हिसाब से इसको लेके चलें तो इस माइंड को हम माया बोलते हैं। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे तो आप पाएंगे हर जगह लिखा है माया महाठगनी हम जानी। ये माइंड बहुत खतरनाक है, मैंने कहा ना माया महाठगनी हम जानी, कि माया जो है बहुत ठगने वाली है हम जानते हैं। और बड़ा फेमस है माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी, राइट। सो माया के हिसाब से कॉन्शियस माइंड है ये बहुत ही ठगने वाला है, सोशल बनाता है आपको, आर्टिफिशियल बनाता है, और आर्टिफिशियल के अंदर आपको आई विल रिक्वेस्ट प्लीज फोन ना करें, अभी मैं उठा नहीं पाऊंगा। खैर ये सोशल बनाता है और सोशली हमें अपने आप को एक एनवायरमेंट में एडजस्ट करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। सो नाउ व्हाट शुड वी अंडरस्टैंड कॉन्शियस माइंड, अभी हम माइंड को समझ रहे हैं, इसको धीरे धीरे हम पैरा सबकॉन्शियस तक जाएंगे। अगला माइंड क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये लगभग 60% है टोटल माइंड का। ये वो माइंड है जो बहुत पावरफुल है, बहुत शांत है और आपके लिए 24/7 काम करता है। अब कैसे काम करता है, आप जो सांस लेते हैं वो सबकॉन्शियस से लेते हैं, आपकी हार्ट बीट चल रही है सबकॉन्शियस से चल रही है, आप बैठे बैठे आपका भोजन पच रहा है, आपका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, आपकी बॉडी में पल्स रेट चल रहा है, किडनी काम कर रही है, ये सब सबकॉन्शियस माइंड से कर रहा है जो ऑटो मोड में है। और जब इसमें कभी प्रॉब्लम आती है तो हमें तुरंत मेडिकल डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है, राइट। सो अभी हम समझ रहे हैं कि कॉन्शियस क्या है, सबकॉन्शियस क्या है, लेकिन हमें सोलमेट समझना है। तो अभी धीरे धीरे अभी हम जा रहे हैं पैरा सबकॉन्शियस, ये क्या है, पैरा सबकॉन्शियस माइंड क्या है। फ्रेंड्स पैरा सबकॉन्शियस की जो डेफिनेशन है बड़ी रिसर्च के बाद मैंने वर्किंग करके निकाली है, मैंने इसमें ही डॉक्टरेट किया है। पैरा सबकॉन्शियस माइंड क्या है, पैरा सबकॉन्शियस माइंड वो है जो माइंड आपके अगले पिछले जन्मों का आपका स्टोर बैंक है। जो जो आप इच्छाएं करते हैं और ऐसी इच्छाएं जो बार बार आपको याद करती हैं, मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा अभी, वो आपके इस माइंड में स्टोर होती चली जाती है। और जैसे जैसे वो स्टोर होती चली जाती है पैरा सबकॉन्शियस बढ़ता चला जाता है। अगर आप भगवत गीता पे जाएंगे तो भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, अर्जुन जब इंसान मृत्यु को प्राप्त होता है तो आत्मा, आत्मा तो पता है मैंने बताया कैरियर है, आत्मा मन सहित इंद्रियों को ले जाती है। मन क्या है, वो पैरा सबकॉन्शियस माइंड है। Does clear now? अब इसमें चीजें स्टोर कैसे करते हैं, सॉरी इसमें हम चीजें स्टोर दो तरह से करते हैं। हम जो भी चीज देखते हैं उस पर अट्रैक्ट होते हैं, उसकी पाने की लालसा करते हैं या उससे ईर्ष्या करते हैं, और वो बार 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 हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिगर होती है और फिर वो पैरा सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं, ठीक है मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है एवरीथिंग इज फाइन, अच्छा सोशली आप अच्छे स्टेटस में है, वेल स्टेटस है, सब कुछ ठीक है। सडनली आप एक आदमी को देखते हैं, राइट, जो आपको लगता है नहीं इस आदमी का स्टेटस तो मुझसे ज्यादा है, और आप फिर और कोशिश करने लगते हैं, भागने लगते हैं, आप पैसा ढूंढने लगते हैं। ये तरीका हो गया, स्टूडेंट्स हैं तो वो स्टडी के प्रेशर में वो ज्यादा पढ़ता है, मेरे को ज्यादा पढ़ना है, इस प्रेशर में जाते हैं, राइट। रिलेशनशिप में हम कभी कभी इस तरह की हरकतें भी करते हैं कि नहीं उसकी वाइफ मेरी वाइफ से अच्छी है, करेक्ट। ये सारी चीजें हमारे कभी कभी पैरा सबकॉन्शियस में ट्रांसफर होती है, ये सडन नहीं होती, टाइम लेती है। और जब वो पैरा सबकॉन्शियस में ट्रांसफर होती है तो नेक्स्ट जो बर्थ है वो पैरा सबकॉन्शियस आपको वहीं देता है जिस एनवायरनमेंट को आप चाहते हैं। अगेन आप भगवत गीता पर जाएंगे तो उसमें लिखा है अर्जुन जब आदमी मरता है तो जिस जिस भाव में वो रहा है पूरे जीवन, उस भाव के हिसाब से उसका अलग जन्म होता है। इसलिए हम कहते हैं ना तो हम माँ बाप चूज कर सकते हैं,
ना ही हम ब्रदर सिस्टर चूज कर सकते हैं, ना ही हम एनवायरमेंट चूज कर सकते हैं। अगर किसी का बाप बेचारा रिक्शा चला रहा है तो चला रहा है, किसी का बाप करोड़पति है तो है, उसका क्या वैल्यू है? इस तरह सबकॉन्शियस के देन है। इसके साथ अच्छी चीजें भी जुड़ती हैं और बुरी भी जुड़ती हैं। अब कोई भी फूल का कांटे के बिना नहीं होता, गुलाब भी कांटों के साथ होता है। तो अब इसके अंदर हम कुछ काम खुद भी जोड़ते हैं। जैसे एक कहावत है कि अपनी कुल्हाड़ी को पांव पे मार लेना, खुद ही मार लेना, वो भी करते हैं। मान लो एक आदमी किसी अपनी वाइफ को मार रहा है, आप पड़ोसी हैं उसके। अब आपने देखा लॉजिकली वो गलत कर रहा है, देख के हमें क्या करना चाहिए? नॉर्मल बिहेवियर में हमें कानून के पास जाना चाहिए, बता देना चाहिए जो इंडियन लॉ बना हुआ है या जिस भी देश में आप रहते हैं वहां का लॉ। लेकिन कभी कभी क्या है, हम इमोशनल हो जाते हैं। मैं होता ना यहाँ पे बता देता सर, इसकी वाइफ ही पागल है, पिटती रहती है, ये सब आप सोच रहे हैं। ऐसा मैं इसकी वाइफ का सलाहकार होता या मैं इसकी वाइफ की जगह होता बता देता, या रिवर्स में लेडी किसी आदमी को परेशान ज्यादा कर रही है रिवर्स, तो अभी हम सोचते हैं अरे आदमी पागल है, इसके बस का नहीं कुछ, राइट? ऐसी बातें करते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये आपकी इच्छाएं बलवती होती जा रही हैं, और जब जब ये इच्छाएं बलवती होती हैं तो आपको इसका भुगतान करना पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड, और उसी की वजह से मेट बनता है जो सोल मेट की डेफिनेशन में आ रही है। एज पर भगवत गीता, अगर किसी के पैरा सबकॉन्शियस में कोई इच्छा नहीं है, उसका जन्म ही नहीं होगा, उसे मोक्ष कहते हैं। बड़ा मुश्किल है पर मैं बता रहा हूँ सिर्फ, राइट? तो पैरा सबकॉन्शियस जो माइंड है उसमें हम स्टोर करते रहते हैं बहुत सारी चीजें, और इन्हीं चीजों के बेस पे हमारे जन्म होते हैं, हमारे मेट बनते हैं। कभी कभी हम इसमें, अब हम इसको थोड़ा सा डायरेक्शन पे ले आते हैं क्योंकि ये बड़ा वास्ट फील्ड है, वहां से धीरे धीरे मैं सोलमेट पे ला रहा हूँ। सोलमेट, मेट मीन्स रिलेशनशिप्स, राइट? वो रिलेशनशिप कैसे हेल्थी है या कैसे बनती है? मेरा यार फ्रेंड है, मैं तो अखरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फ्रेंड है, रोज ही लड़कियों के साथ घूमता है, रोज नई नई फ्रेंड बनाता है। हम तो देखो यार एक के साथ है, वो भी सुबह शाम समझे, आपके पैरा सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो गई, अगले बर्थ में आई थिंक वॉइस का प्रॉब्लम आएगी। आई विल यूज दिस जस्ट अ मिनट, फ्रेंड्स बोल रहे हैं वॉइस नहीं आ रहा उन्हें। Hello, I hope now it will be more clear. Can you confirm, please? Hello, hopefully अब मैं समझ रहा हूँ कि वॉइस ठीक आ रहा होगा, right? So, अभी हम बात करने कर रहे थे सोलमेट की, तो रिलेशनशिप में मेट मेट हम कैसे बनाते हैं वहां थे, तो हम मेट कैसे बनाते हैं, हम इन सब चीजों को हमारे पैरा सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर कर लेते हैं। और जब हम पैरा सबकॉन्शियस माइंड में इसको स्टोर कर लेते हैं तो हेलो हेलो अच्छा, हम जब पैरा सबकॉन्शियस माइंड में इसको स्टोर कर लेते हैं, तो उस पैरा सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हमें ये मेट की डेफिनेशन बनती है। अब ये मेट भी कई तरह के होते हैं, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आप बताया ना कि हम पड़ी हुई कुल्हाड़ी पे पांव मार लेते हैं कई बार, राइट? और उस पांव की वजह से हमें क्या होता है,
प्रॉब्लम आती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कोई आदमी अपनी वाइफ को मार रहा है या कोई मर्डर हो रहा है और हम उसे कह रहे हैं नहीं मैं तो ये ऐसा कर देता, मैं वैसा कर देता, और उसी चीज को हम कैरी करते हैं, तो वो पैरा सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड हो जाता है। तो अगला जो बर्थ होता है आपका वो वैसा ही होगा, करेक्ट। अब हम बेसिक चीज पे आ रहे हैं, सोल मेट। मेट कितनी तरह के होते हैं? पैरासाइकोलॉजी के हिसाब से मेट क्या है? पैरा सबकॉन्शियस माइंड, जो इंग्लिश में हम मेट बोलते हैं, एक दूसरे से बात करना, करेक्ट। ऐसा नहीं है। अब आते हैं हम मेट किस तरह के होते हैं। मेट होते हैं तीन तरह के, थ्री टाइप्स। वन, सबसे पहला, दिस इज कॉल्ड कार्मिक सोल। सोलमेट के अंदर कार्मिक सोल का क्या डेफिनेशन है? कार्मिक सोल क्या है? कार्मिक सोल है जो चीजें आपने अपने पैरा सबकॉन्शियस में डाल दी और उन चीजों के रिजल्ट्स जो हैं आपको पेनफुल होंगे। आपने डालते टाइम नहीं सोचा कि ये पेनफुल होंगे, राइट? लेकिन आपने डाल दी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि किसी के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड होने चाहिए, वो फ्रेंड कुछ ना कुछ करते होंगे, वो भी आपके साथ हो, राइट? तो कार्मिक सोल्स का मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल देता हूं, जो ऑफिसेज में नहीं होना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिनको ट्रॉमा हो गया है, फोबिया हो गया इन सब चीजों से। आप एक ऑफिस में गए, आपको जॉब की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत ही सख्त जरूरत है, क्या करें, जॉब ज्वाइन करें। अब वहां के बॉस ने आपको परेशान कर दिया, मेंटली, फिजिकली, कैसे भी। अब आप पे दो चॉइस है, जॉब छोड़ दें या उस जॉब को कंटिन्यू रखें, या हमारा कॉन्शियस माइंड आ जाता है, राइट? हम में और जानवरों में, हम सोशल एनिमल हैं और जो एनिमल हैं, बस इतना ही फर्क है। उनके पास भी पैरा सबकॉन्शियस होता है, उनको भी पूरा याद होता है, लेकिन वो उसको हाँ या ना नहीं कर सकते। जैसे आपने गाय पाल ली, तो उस गाय के पास चॉइस नहीं है कि वो आपको दूध ना दे, उसको देना ही पड़ेगा। लेकिन आपके पास चॉइस है, ये आपके कॉन्शियस माइंड की हेल्प है कि आप उसे छोड़ सकते हैं, जॉब को दूसरी ढूंढ सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं है तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो जो कॉन्शियस माइंड है वो आपको अलाउड ही नहीं करेगा। तो आप उस मझधार में फंस जाएंगे जहां डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक अच्छा सलाहकार चाहिए, राइट? नहीं तो इतनी बड़ी जंग अर्जुन नहीं जीतता अगर लॉर्ड कृष्ण उसके सलाहकार नहीं होते। तो खैर, हम बात कर रहे थे कार्मिक सोल की। तो आप उस ऑफिस में हैं, मैं ऑफिस का एग्जांपल दे रहा हूं। अब आपके पास दो चॉइस है, एक आपने उस बॉस की जो बदतमीजी है वो सहन कर ली क्योंकि आप जॉब में हैं, और एक दिन आपको अच्छी बेटर जॉब मिली, आप शिफ्ट हुए, वहां से छोड़ गए और कभी उस बॉस से मिले नहीं, राइट? तो ये कार्मिक सोल है आपके लिए। आपका कोई ना कोई ऐसा कर्म आपके पैरा सबकॉन्शियस में रिकॉर्ड था जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। और स्टूडेंट्स हैं, फुल लव रिलेशनशिप में बहुत जाते हैं। एक बहुत ही अच्छे घर की बच्चा, कभी कभी एक बहुत ही ऐसे बच्चे से जो बहुत ज्यादा ड्रगिस्ट है, सुंदर भी नहीं, अट्रैक्ट हो जाता है। और आजकल तो लोग बोलते हैं ना कि जब दिल आ जाता है, प्यार हो जाता है, तो आदमी सब भूल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, साइकोलॉजी इसको नहीं मानती। नॉर्मली हम ऐसा ही बिहेव करते हैं, साइकोलॉजी इसको नहीं मानती। साइकोलॉजी कहती है कि ये पैरा साइकोलॉजी का असर है, आपके किए हुए कोई ना कोई कार्मिक सोल अब उदय हो रहे हैं जिसको आपको रिमूव कराना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, क्या ये रिमूव हो सकते हैं? अगर इसका स्ट्रेट आंसर देना है एक शब्द में, तो नो है। और अगर इसका हमें लॉन्ग टर्म में कोई आंसर देना है, तो देन यस है। कंफ्यूज? कोई बात, आई विल एलोबरेट। कार्मिक सोल्स कभी खत्म नहीं हो सकते,
लेकिन उनके इफेक्ट, उनके इंपैक्ट कम किए जा सकते हैं। इसका मैं बहुत ही आसान सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे एग्जांपल हैं बट आसान देता हूँ। अभी आप लोग सब रामायण देख रहे होंगे, दूरदर्शन ने लॉकडाउन में रामायण चला रखी, स्टे होम स्टे हेल्दी हैप्पी एंड स्टे सेफ। उसमें आपने एक सीन देखा होगा, भगवान राम ने बाली को मारा था। अब वो कर्म था जो एक क्षत्रिय को छुपके नहीं मारना चाहिए था, और कर्म का भगवान को भी भुगतान करना पड़ेगा। गीता में लिखा है भगवान कृष्ण ने, मैं अर्जुन कर्मों में ही अपने आप को बांध के रखता हूं, जबकि मेरे लिए कोई भी चीज पाना या कोई भी चीज चेंज करना संभव नहीं है, बट मैं कर्मों को नहीं छोड़ता, क्योंकि मैंने छोड़ दिया तो सारी पब्लिक छोड़ देगी, कर्म को संभालना मुश्किल हो जाएगा। खैर वो डीप ज्ञान है, उसमें अभी नहीं जाएंगे। तो उसमें भगवान राम ने बाली को मारा, छुपके मारा, बाण लगा। अब अगले जन्म में भगवान कृष्ण को बाली ने बाण मारा। अगर किसी ने भी भागवत पढ़ा है या महाभारत पढ़ा है या श्री कृष्ण पुराण पढ़ा है तो उनको ही मालूम होगा, राइट? और वो जो बाण लगा, अब वो कहां लगा? वो पांव में लगा। हम सब इतने इंटेलिजेंट हैं जो ये बात समझते हैं कि अगर गोली हमारे हार्ट पे लगे और पांव पे लगे तो क्या डिफरेंस होता है। होप आई एम क्लियर इन कार्मिक सोल्स, राइट? कार्मिक सोल्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते, यस उन कार्मिक सोल्स को हम इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। सेकंड, कार्मिक सोल के बाद आता है मल्टी फ्लेम्स। ये मल्टी फ्लेम्स भी हमारे पैरा सबकॉन्शियस की देन है। एक बच्चे की बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप, हम एक स्टूडेंट्स का एग्जांपल लेते हैं, एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का एग्जांपल लेते हैं, दोनों बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है हम दोनों के बीच में। सडनली वो लड़के के कुछ पुराने दोस्त आ गए, और उन पुराने दोस्तों ने क्या किया, उसको कुछ इन्फ्लुएंस कर दिया, और कल उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया जो इल्लीगल था, जिसके लिए हमारी लॉ भी परमिट नहीं करता और जो हमारा समाज है वो भी परमिट नहीं करता। दीज ऑल आर मल्टी सोल्स। अब ये सारी सोल्स क्या बुरी होती है? नहीं नहीं नहीं, अच्छी भी होती है, राइट? आप एक जॉब में हो, आप जॉब कर रहे हो, राइट? वहां परेशान हो बॉस से, सडनली एक आदमी आया, उसने कहा मैं वहां आपको जॉब करवा देता हूँ, बहुत अच्छा एनवायरमेंट है, काम चले जाइए, और उसके बाद वो कभी आपसे मिला ना मिला, डिफरेंट सिनेरियो, उसने कुछ लिया नहीं आपसे। तो अच्छी सोल्स भी है, मल्टी सोल्स में बुरी सोल भी है। ये सारी की सारी सोल्स हमने अपने पैरा सबकॉन्शियस में रिकॉर्डिंग से बनाई, और इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम चुगली बोलना कहते हैं ना, आजकल तो कुछ ज्यादा हो रही होगी लॉकडाउन में, राइट? वो नहीं करनी चाहिए। जितना आप करते हैं आपके पैरा सबकॉन्शियस में वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, राइट? और अभी हम मल्टी सोल्स के जो एग्जांपल्स हैं उनका दो तरीके हैं, मल्टी सोल्स को आप चेक करवा सकते हो, जैसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन बताया, बहुत सारी ऐसे मेथड्स हैं, थेरेपीज हैं, जिससे आप जान सकते हो कि मेरी लाइफ में पिछला मैंने क्या स्टोर किया हुआ है और कैसे डाटा इरेज कर सकता हूँ। अगेन हम सेंग सेंग इरेज नहीं कर सकते, उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हो, राइट? और नाउ द क्वेश्चन राइजेस, क्या मल्टी सोल्स के प्रभाव से या कार्मिक सोल के प्रभाव से बचा जा सकता है? यस, देयर आर द मेथड जिनसे आप बच सकते, जिनसे आप सेफ रह सकते हो, आपका कॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग है उसके लिए। और अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज ट्विन फ्लेम्स। ट्विन फ्लेम में बेसिक क्या है? मैरिज, नो, मैरिज क्या है? मैरिज इज अ थिंग जो हमें सोशली जोड़ती है। अगेन ये कॉन्शियस माइंड की देन है, ये हमें सोशली एक दूसरे से जोड़ती है।
क्या कुछ लोग ऐसे नहीं है फॉरेन में जो बिना मैरिज के भी रहते हैं? आजकल तो खैर इंडिया में भी लिव इन रिलेशनशिप रह रहा है, लेकिन जो रिलेशनशिप आपके साथ, दो चीजें होनी चाहिए, एक ट्विन फ्लेम के लिए वो रिलेशनशिप मेंटली और फिजिकली होना चाहिए, नंबर वन। सेकंड, वो रिलेशनशिप में सेक्रीफाइस होना चाहिए। ट्विन फ्लेम्स में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ज्यादा सेक्रीफाइस देते हैं, और इसी एंगल में कभी भी बहुत ही रेयर केस 0.001% आपको 50-50 का डिविजन मिलेगा, अदरवाइज हर एक ट्विन फ्लेम में आपको 60-40, 70-30, 80-20 कुछ भी मिल सकता है। ये क्या होते हैं ट्विन फ्लेम्स? ये ट्विन फ्लेम्स आपके साथ साथ चलते हैं लाइफ लॉन्ग। कई सारे एग्जांपल दूंगा मैं इसके, हैं हमारी लाइफ में, बट मैं बेसिकली आपसे शेयर करना चाहूंगा कुछ जो मेन एग्जांपल है। वो क्या है, वन केस में लेता हूं। एक मियां बीवी है, उनमें से कोई एक तो सेक्रीफाइस दे रहा होगा, राइट? ये तो उस पे तो पक्का है, वो तो वही, लेकिन वो उनके अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, लेकिन लाइफ लॉन्ग कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमें अलग होना है, हमें डाइवोर्स लेना है, सेपरेट होना है, और पूरी लाइफ निकाल दी। 100% वो आपका ट्विन फ्लेम होगा, और आप इसको चेक भी करा सकते हो, देयर इज ए प्रोसेस, राइट? दूसरा ऑप्शन, आप एक आदमी के साथ रह रहे हो, किसी वजह से आप अलग हो गए, आप 8-10 साल से अलग बिता रहे हो अपनी लाइफ, वो अलग बिता रहा है अपनी लाइफ, बट सोशली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो, मतलब यहाँ बीबी का जो रिश्ता है, जो भी आपने रिश्ते बनाए हैं, वो तोड़ा नहीं है पब्लिकली, पब्लिक आज भी आप दोनों को उसी ही नाम से जानती है, मिसेस शर्मा, मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा, दिस ऑल द थिंग्स, राइट? वो भी ट्विन फ्लेम है, राइट? थर्ड, आप अलग आ गए, लेकिन लाइफ में आप उसी का नाम लेके चल रहे हो, अलग रह रहे हो कई साल से, कोई बातचीत है या नहीं ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आपके बच्चे हो गए। ये मैं बीबी का किस्सा ले रहा हूँ, जिनकी शादी हो गई, वो इकट्ठा रह रहे हैं, राइट? और सडनली सेपरेट हो गए, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? बच्चे आते हैं दोनों के पास, एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं, और आपने कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं क्रिएट किया। अनऑफिशियल जो भी आपके रिलेशनशिप होंगे वो सब कार्मिक सोल होंगे या मल्टी सोल्स होंगे, ऑफिशियल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं किया, मानसिक और फिजिकल दोनों। मानसिक होना बहुत जरूरी है, मेंटली होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो ही सबकॉन्शियस को पैरा सबकॉन्शियस से जोड़ देता है, और वो नहीं किया तो क्या होने वाला है, वो सब ट्विन फ्लेम में काउंट होंगे, और जो ये ट्विन फ्लेम में काउंट होंगे, ये आपको लाइफ में अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पर ये ज्यादातर आपके साथ सेक्रीफाइजिंग मोड में रहेंगे, ये हमेशा आपके साथ कनेक्टिव रहने की कोशिश करेंगे, आपकी चीजें मानने की कोशिश करेंगे, राइट? और ये सब पैरा सबकॉन्शियस माइंड से है। अब हम तीन चीजों को हमने जोड़ा, पहला राइट कार्मिक सोल्स, सेकंड मल्टी सोल्स, एंड थर्ड इज ट्विन फ्लेम। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको हम बोलते हैं सोलमेट। और मेट कहां से आया, पैरा सबकॉन्शियस से। अगर पैरा सबकॉन्शियस में आपने नहीं जोड़ा कुछ तो जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि आपके पैरा सबकॉन्शियस के अंदर कुछ ना कुछ होना जरूरी है अगले बर्थ के लिए, और अगर वो नहीं होगा, किसी भी कारण से वो नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आपका बर्थ नहीं होगा। अब इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं?
जब ये मिक्स हो जाते हैं, कार्मिक सोल, मल्टी सोल, ट्विन फ्लेम, कभी कभी ये मिक्स होके सोलमेट के हिसाब से इंपैक्ट करने लगते हैं, क्या होगा? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? संतान नहीं होंगे, काफी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। मेडिकली फिट हो गया, डॉक्टर बोलेगा दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें टाइम लग जाएगा, राइट? संतान में कभी कभी प्रॉब्लम भी हो जाती है अगर बायोलॉजिकल नहीं हो तो। थर्ड, आपका मॉनेटरी एंगल, मैरिटल के अंदर मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा झुकाव हो जाएगा। और इन सबको हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? तो अगेन यस नो क्वेश्चन इज, जो मैंने अभी पीछे समझाया था, आप कर सकते हैं। देयर इज ए प्रोसेस टू गाइड यू। सो बेसिकली आज हमें ये समझ लिया होगा कि सोलमेट क्या होता है, पैरासाइकोलॉजी क्या होती है और ये कैसे इंपैक्ट करती है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो ये बोल दे कि मैं अपने माँ बाप को भी डिसाइड कर सकता हूं कि कौन होंगे। ये सब पैरा सबकॉन्शियस के हिसाब से ही होंगे और वही पैरा सबकॉन्शियस माइंड आपको सोलमेट के एंगल पे लेके जाएगा। तो आज से आपको सोल से डरने की जरूरत नहीं है, या तो मेट से डरिए, और या मैंने बोला था आपको एक चीज बताऊंगा बीच में कि जिससे आप डरते हैं, भूत, क्या होता है? इट इज नथिंग। तीन चीजें होंगी तो हम ह्यूमन बनेंगे, सोल, मेट और बॉडी। बॉडी कोई भी हो सकती है, एनिमल्स, ह्यूमन, एनीबॉडी। और गलती से जब हमें बॉडी नहीं मिलती, राइट, और दो ही चीजें रह जाती हैं, सोल और पैरा सबकॉन्शियस माइंड, तो उसको हम क्या बोलने लग जाते हैं? क्योंकि वो हवा है, बेसिकली एनर्जी है जो मूव कर रही है, और एनर्जी इज नॉट विजिबल, अणु में है, क्वांटम फिजिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है पूरी पैरासाइकोलॉजी। तो उससे हम डरने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो पैरा सबकॉन्शियस है आपके पैरा सबकॉन्शियस से कभी भी कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही कनेक्ट होगा आप डरने लग जाओगे। इसलिए आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि अभी किसी की मामा, चाची, नानी, कोई और मरा और उसने आके आपको परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने नहीं देखा, कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा आपका उससे। तो आपका पैरा सबकॉन्शियस जब तक किसी और के पैरा सबकॉन्शियस से नहीं जुड़ेगा, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डर से बाहर आ जाइए, डर के आगे जीत है। सो टूडे माई टॉपिक वॉज देयर, वट इज पैरासाइकोलॉजी, विच आई एक्सप्लेन, वट इज सोलमेट, विच आई एक्सप्लेन। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इसमें जो भी कोई क्वेश्चन हो आपके, आई हैव टू गिव द आंसर नेक्स्ट 5 मिनट्स। यू कैन सेंड मी ऑन द चैट बॉक्स, आई विल ट्राई टू गिव द आंसर हेयर ओनली, और लेटर ऑन यू कैन सेंड मी इन द इनबॉक्स। आप हमारे इनबॉक्स पर जा सकते हैं, हमारा इनबॉक्स के ऊपर हमारा मोबाइल नंबर भी है जिस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइम कंस्ट्रेंट, जितना भी टाइम होगा उस हिसाब से आई विल ट्राई टू गिव द आंसर्स। इट्स अ गुड साइंस। इसके लिए जो भी आपके क्वेश्चन हो, कोई भी रिलेशनशिप को लेके, कि आपके डिवोर्स किसके होते हैं, अगेन कार्मिक सोल की वजह से डिवोर्स होते हैं, आप क्लियर हो जाओगे बिल्कुल किसकी वजह से आदमी मर्डर्स हो जाते हैं, जो कितने सारे बच्चों को जला देते हैं, दहेज के केसेस हो रहे, सब मल्टी सोल्स हैं। और आपको सिर्फ उनको डिवाइड करना है, उनको समझ लेना है। जिस दिन आपके सबकॉन्शियस में वो ट्रांसफर हो गए, आप उनसे हट जाओगे, बिल्कुल दूर हो जाओगे, बहुत ही बढ़िया एंजॉय करोगे लाइफ को। भी कोई क्वेश्चंस हो डेफिनेटली आप भेजिए। आई होप मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आज आपके संशय दूर करने की, व्हाट इज पैरासाइकोलॉजी, व्हाट इज सोलमेट, राइट। अगली बार बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे। अगर आप भी कोई टॉपिक चाहते हैं, डेफिनेटली आप मेरे इनबॉक्स में डालिए, हम उस टॉपिक के ऊपर आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।